हाय फ्रेंड्स, मैं आशु भारद्वाज, आपका अपना वीज़ा एडवाइज़र। सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच एवरीवन, जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की थी, जिन लोगों ने मुझे कांग्रेस किया है यूट्यूब माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं उनका सभी का शुक्रगुजार हूँ और सभी को शत शत प्रणाम करता हूँ कि आप लोगों ने जो दुआ की थी वो दुआ रंग लाई। और ऐसे ही हम एक दूसरे के लिए दिल से जब दुआ करते हैं तो नेचुरल इंसान जितना मर्जी पाप किए हो या उसने जितना मर्जी गलत काम ही किए हो, लेकिन कोई भगवान का भेजा हुआ ऐसा रूप होता है जिसकी दुआ जो है उस गलत इंसान को भी लग जाती है, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही हूँ। जैसे मैंने कर्म किए हैं वो ऊपर वाले को पता है, लेकिन आप लोगों में से किसी की ऐसी दुआ मेरे काम आई कि मुझे शनिगण की अचीवमेंट हुई जो सभी को ऑलरेडी पता है। आज की वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ स्पेशली आप सबकी रिक्वायरमेंट के ऊपर। काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए हैं व्हाट्सएप पे, काफ़ी लोगों ने यूट्यूब पर भी कमेंट किए कि सर डॉक्यूमेंटेशन कैसे लगाई थी आपने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे शेंगेन वीज़ा के लिए, तो आप उनको हमारे साथ शेयर कीजिए लिस्ट को कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाए थे और कहाँ से बने थे। तो ये आपके लिए मतलब एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है कि मैंने खुद अपना सेल्फ वीज़ा लगाया। मैं लोगों को एडवाइस करता था, लेकिन मैंने 30 तारीख को जो वीडियो डाली थी 30 मई को, तो उसमें मैंने अनाउंस भी किया था कि मैं 4 तारीख को शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे लिए दुआ करो। लेकिन जब मैंने वीज़ा डाला तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक दिल में घबराहट थी कि लोगों के लिए मैं एडवाइस करता हूँ, पता नहीं मैं इस बिगेस्ट अचीवमेंट को ले पाऊँगा या नहीं ले पाऊँगा, क्योंकि लोगों के लिए मैं एडवाइस कर रहा हूँ और खुद अपने लिए ना कर पाऊँ तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन एक बात यह भी होती है कि कभी भी इंसान जो काम अपने लिए नहीं कर सकता है वो दूसरों के लिए कर जाता है। जैसे कि कहते हैं अपनी बैकबोन, अपनी पीठ जो है खुद नहीं देखी जाती है, वो दूसरे देख सकते हैं, वैसे ही मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो काम हमें ना मिले वो दूसरों को मिल जाता है या उनकी किस्मत होती है जो मेरी ना हो, ऐसा भी होता है। तो मैं आपके साथ आज वही डॉक्यूमेंट जो है लिस्ट शेयर करूंगा और आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि मैंने क्या किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो शेंगेन वीज़ा की आपको जिस कंट्री का वीज़ा डालना है, आपको अपॉइंटमेंट बुक करवानी है, बुक करवा ली। उसके बाद मेरी 4 तारीख की अपॉइंटमेंट थी। एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक बहुत ही बड़ी अच्छी और बढ़िया बात बताऊँगा। मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर है मिस्टर निर्भय सिंह, वो है जर्मन के मेरे YouTube सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे स्पॉन्सर भेजी जर्मन से, जो मैं आपको ये शेयर कर रहा हूँ। ये स्पॉन्सर मुझे जर्मन से भेजी गई थी मेरे YouTube सब्सक्राइबर के थ्रू, और उन्होंने मुझे बिना सोचे समझे, मैंने जब उनको स्पॉन्सर बोली तो उन्होंने मुझे जर्मन से एम्बेसी से, जर्मन की एम्बेसी से स्पॉन्सर मिलती है, वो स्पॉन्सर उन्होंने मुझे भेजी, कोरियर करवाई। पिछले 14 तारीख को कोरियर कराई और 15 तारीख को मैंने अपने डॉक्यूमेंट शुरू किए जर्मन के लिए बनाना, तो मैंने जर्मन के लिए डॉक्यूमेंट बनाए थे। लेकिन दुर्भाग्यपूर्वक जिसको बोलने की, वो स्पॉन्सर मुझे आज तक नहीं मिली। आज डेट हो चुकी है 20 जून, तो आज डेट हो चुकी है 20 जून, तो एक महीने से ऊपर हो गई है, क्योंकि उन्होंने गलती से स्पॉन्सर जो थी वो डाकखाने में या पोस्ट ऑफिस में डाल दी, जिसका आज तक कोई पता नहीं चला कहाँ गई। लेकिन किसी के कहने पे, घर के थोड़े से सपोर्ट के कारण, जैसे मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया कि आपने डॉक्यूमेंट बनाए हैं आप फाइल डाल दीजिए, एक हमारे हो रहे हैं मतलब चाहने वाले जो हमें यूट्यूब के माध्यम से मिले थे, मैम है वो भी बड़े अच्छे हैं, उन्होंने बोला कि आप फाइल डालो, उन्होंने काफ़ी हेल्प मेरी की फाइल को मतलब डलवाने में, थोड़ा सा मुझे प्रेशराइज किया कि आप फाइल डालो, क्योंकि स्पॉन्सर मेरे पास थे नहीं और मुझे ट्रस्ट नहीं था मुझे वीज़ा मिलेगा शेंगेन वो भी, तो क्योंकि फ़ंड बहुत कम थे और प्रोफाइल मेरी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है, दूसरों की प्रोफाइल स्ट्रांग करता हूँ लेकिन मेरी नहीं है, बिकॉज ड्यू टू रीज़न ये है कि फ़ंड यानी बैकबोन बोले तो घर की सपोर्ट, मैं इतने बड़े शोकार घर से नहीं हूँ कि मेरा जो है मतलब घरों में लाखों रुपया पड़ा है, मेरे पापा घर पे हैं, मॉम हाउस वाइफ है, मैं जॉब करता हूँ, वाइफ मेरी हाउस वाइफ है, सिर्फ ये हमारी फैमिली है, भाई जो है वो भी एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करता है, इसलिए कोई बड़ी हमारी सपोर्ट नहीं है, ना कोई मेरे पास ज़मीन है मेरे नाम पे, ना भाई के नाम पे ज़मीन है, जो पापा के नाम पे ज़मीन है उसकी वैल्यू भी निर्भर 10-20 लाख रुपए पड़ी, वो भी हमारे कहने पे, अदरवाइज़ उसकी वैल्यू भी इतनी है नहीं, तो हमारे पास कुछ नहीं है, इसलिए मुझे मतलब विश्वास नहीं था। लेकिन ये जो कहते हैं ना कि जो घर की सपोर्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है, तो मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया कि आप डालो, किस्मत आपकी है, क्या पता आपको मिल जाए। और दूसरी बात कि एक मेरी वाइफ की बहन बनी हुई है जो यूट्यूब से मिली थी, लेकिन मेरी वाइफ की बहुत अच्छी बहन बनी हुई है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया,
कि आप वीज़ा अप्लाई करो। उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंटेशन में भी बनवाने में हेल्प की कि जब टाइम नहीं था मेरे पास तो उन्होंने अपने कंप्यूटर पर बैठ के उनको गाइड मैंने किया, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से बना के मुझे भेजे। तो लिस्ट मैं आपको शेयर करूंगा कि मैंने सबसे पहले एक वैल्यूएशन रिपोर्ट बनवाई, जो मेरी वैल्यूएशन नियर अबाउट 24 लाख की बनी थी, टोटल हाउस वैल्यूएशन जो थी, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन। दूसरा मैंने CA रिपोर्ट बनवाई जिसमें मेरा खर्च सिर्फ 1500 रुपये आया। वैल्यूएशन बनवाई मैंने, वैल्यूएशन में खर्च मेरा सिर्फ 150 रुपये आया, 150 रुपये जिसके ऊपर 100 रुपये का स्टाम्प लगा हुआ था और 50 रुपये नोटरी वाले ने लिए मुझे टेस्टिंग करने के और उसको टेस्टेड करवाया। ये चीज़ें होंगी दो, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन और CA रिपोर्ट। तीसरा आ जाता है मेरा बैंक बैलेंस, जो मैं आपको पहले बता चुका कि 88,000 रुपीज़ मेरे पास था। एक 20,000 की FD थी जो मैंने 15 मई को करवाई है अपनी बेटी के नाम से, जसलीन भारद्वाज नाम से। एक मेरे पास 10,000 की FD थी जब मेरी बेटी मतलब हुई थी, बर्थ हुआ था उसको हिमाचल गवर्नमेंट ने बना के दी थी एज पर गिफ्ट, हिमाचल गवर्नमेंट का गिफ्ट। वो 10,000 की FD थी, यानी दो FD थी मेरे पास 30,000 की। एक तो न्यू थी 15 मई की। उसके बाद बात करूँ तो मेरे पास 3 क्रेडिट कार्ड हैं जिनको मैंने फाइल में शो नहीं किया हुआ है, ये सच्चाई है। मैंने फाइल में स्टेटमेंट नहीं लगाए थे, मैंने बाद में सोचा कि मैंने स्टेटमेंट क्यों नहीं लगाई अपने क्रेडिट कार्डों की, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट कभी भी आपके CA रिपोर्ट में नहीं जाती है, क्योंकि वो आपकी करंट लाइबिलिटी होती है जो आपके मतलब जो लिक्विड फंड है उसको लो करता है। चलो ये भी हो गया। 88,000 बैंक में था और 3 क्रेडिट कार्ड थे जो जेब में थे, शो नहीं किए थे लेकिन थे। दो FD थी 30,000 की। उसके बाद मैंने सिर्फ एक आइटनरी बनाई जो मेरी 6 पन्नों की बनी थी आइटनरी। वो आइटनरी के ऊपर स्पेशली मैं एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशली आइटनरी के ऊपर कि मैंने आइटनरी कैसे शो की थी। होटल बुकिंग थी पे टू होटल, कंफर्म होटल किए थे पे टू होटल। जो टिकट करवाई थी मैंने, टिकट अपनी जो डम्मी बोलते हैं या रिजर्व बोलते हैं या आप कन्फर्मेशन टिकट बोलते हैं, जो मैं टिकट करवाता हूँ वो मैं एयरलाइन की वेबसाइट से करवाता हूँ, जिसको मेरा PNR जनरेट होता है। उस PNR को आप देखोगे तो वो आपको टिकट ऑलरेडी शो हो जाएगी फ्लाइट में पूरी आइटनरी के साथ, मतलब आपकी एयरलाइन की वेबसाइट में शो हो जाएगी। उसके बाद एक डॉक्यूमेंट लगाया था मैंने वाइफ की तरफ से कि मेरे हस्बैंड जो है वो यूरोप जा रहे हैं 9 दिन के लिए। और सबसे बड़ी बात बताता हूँ, मैंने वीज़ा डाला था चेक रिपब्लिक का, लेकिन मेरी जो बनी हुई थी स्पॉट NOC बनी हुई थी वाइफ की तरफ से, वो बनी हुई थी मेरी जर्मन की, जो मैंने अभी ध्यान नहीं दिया था। मैंने बताया ना आपको कि डॉक्यूमेंट जर्मन के तैयार किए हुए थे मेरे, तो वो जर्मन ही लिख के चला गया। लेकिन चलो वीज़ा ऑफिसर ने देखा ही, मेरी किस्मत थी कि मुझे वीज़ा अचीव हुआ, वो चला गया, वो मिस्टेक थी। उसके बाद मैं अपनी ITR के ऊपर आऊँ तो मैंने 3 साल की ITR लगाई थी। मेरी इस बार के ITR जो थी वो 5,05,000 की थी, जिसमें 12,480 रुपये मैंने टैक्स भरा हुआ था, ये जो 19-20 की थी, ये 3 ITR थी मेरी। उसके बाद मैंने 3 ITR अपनी वाइफ की लगाई थी, जो लास्ट वाइफ की 19-20 की ITR लगाई थी वो मैंने लगाई थी 2,95,000 की। मैं आपको देखो ब्रीफली समझा रहा हूँ, आप समझना बात को, ज़्यादा डॉक्यूमेंट नहीं लगे हैं। तो उसके बाद मेरा कोई और डॉक्यूमेंट, जॉब के डॉक्यूमेंट थे, मेरा अपॉइंटमेंट लेटर था जो मैंने खुद बनाया हुआ था, क्योंकि एज ए अकाउंट मैनेजर पूरी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। उसके बाद एक NOC कंपनी की तरफ से थी जो मैंने खुद फॉर्मेट की हुई थी। मैं सारे डॉक्यूमेंट खुद फॉर्मेट करता हूँ, मैं आपको ये से बता दूँ, चाहे वो आइटनरी थी, चाहे वो मेरा कवरिंग लेटर था, चाहे वो मेरी फ्लाइट टिकटें थी, चाहे वो मेरी NOCs थी, चाहे वो मेरे ऑफर लेटर थे या सैलरी स्लिप थी, सारी फॉर्मेट मैं खुद तैयार करता हूँ, क्योंकि एजुकेशन की हुई है, 8-9 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। और काफ़ी जैसे HR में मेरे भाई लोग भी हैं, मेरे फ्रेंड सर्कल भी हैं, IT डिपार्टमेंट में हैं, तो ये सारी चीज़ें जो मुझे पता है, मतलब नॉलेज इस चीज़ का। और कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसकी लैंग्वेज मैं खुद तैयार करता हूँ, मैं किसी से नहीं लेता हूँ। तो ये आइटनरी मैंने 6 पन्नों की बनाई थी। कवरिंग लेटर मैंने सिर्फ एक पन्ने का बनाया था, जो कवरिंग लेटर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ तो उसमें सिर्फ इतना लिखा था, मैं आशु कुमार, सन ऑफ मेरे फादर का नाम, रेजिडेंस ऑफ जो भी सच एंड सच, आई एम इंडियन पासपोर्ट होल्डर नंबर इतना, आई एम वर्किंग इन जो भी मेरी कंपनी का नाम है एज ए अकाउंट मैनेजर, ये चीज़ लिखी थी मैंने अकाउंट मैनेजर। अब एड्रेस हेड ऑफिस जहाँ पे मैं पोस्ट है वो लिखा था, माय NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, माय कंसर्न डिपार्टमेंट इज़ ऑलरेडी अटैच्ड माय फाइल, सिर्फ ये लिखा था। और नीचे लिखा था कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है इसलिए मैं आपकी कंट्री को विज़िट करना चाहता हूँ। मैंने प्रीवियस कंट्री एक दुबई और मलेशिया विज़िट की हुई है,
बस इससे ज़्यादा मैंने कुछ नहीं लिखा था, बस ये लाइन लिखी थी चार और कवरिंग लेटर मैंने बना दिया। लेकिन मेरे डॉक्यूमेंटेशन में एक बात थी, मैं आपको फिर बोल रहा हूँ कि जैसे मैं लोगों को एडवाइस करता हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन ही आपको आगे करते हैं, तो मेरे डॉक्यूमेंटेशन में एक बात थी कि एक डॉक्यूमेंट को अगर वीज़ा ऑफिसर ने उठाया तो उसके साथ दूसरा डॉक्यूमेंट जो है मोती के मनकों की तरह एक से एक जुड़ा हुआ था, जिसके कारण मुझे वीज़ा अचीव हुआ है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट लगाए, 6 सैलरी स्लिप लगाई थी, एक अपॉइंटमेंट लेटर लगाया था, एक लगाई थी मैंने NOC, ये लगे मेरे ऑफिस के, 3 मेरी ITR थी जो मैंने आपको बता दी कि 5,05,000 की मैंने ITR भरी है, जिसमें 12,484.85 रुपये मैंने टैक्स दिया है। उसके बाद 3 रिटर्न मेरी वाइफ की लगी हैं, जो लास्ट रिटर्न 19-20 की 2,95,000 है। आइटनरी लगी है 6 पन्नों की थी, आइटनरी बड़े अच्छे तरीके से बनाई थी, वो मैं आपको स्पेशली उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, इसलिए मैं वीडियो के ऊपर शो करूंगा मैंने आइटनरी कैसे बनाई थी, पिक्स के साथ कलर पिक्स लगाए थे और कलर ही प्रिंट लगाए थे मैंने। और फॉर्म जो वीज़ा फॉर्म है वो तो भरा था, बस ये डॉक्यूमेंट मेरे लगे थे, वीज़ा फॉर्म, आइटनरी, एयर टिकट जो रिजर्व होती है, मैं हमेशा रिजर्व टिकट करवाता हूँ, जो कि वेबसाइट में बोले एयरलाइन की वो टिकट करवाता हूँ, होटल की बुकिंग थी, मेरा एक वैल्यूएशन थी प्रॉपर्टी की जिसकी कीमत सिर्फ 22,000 मकान की और 1,65,000 समथिंग मेरी लैंड की कीमत थी, सिर्फ ये 24 लाख रुपये समथिंग था। उसके बाद एक CA रिपोर्ट लगी थी, CA रिपोर्ट में मैंने अपनी प्रॉपर्टी डलवाई 24 लाख की, 88,000 का एक बैंक बैलेंस डलवाया, 20,000 की एक FD डलवाई, 35,000 की अपनी पल्सर बाइक डलवाई, 3 लाख की ज्वेलरी डलवाई वैल्यूएशन, और 10,000 की एक FD करवाई, और लास्ट में अपनी 5,05,000 की इनकम टैक्स रिटर्न और वाइफ की 2,95,000 की इनकम टैक्स, इससे मेरा CA रिपोर्ट तैयार हुई थी और कोई मेरा डॉक्यूमेंट नहीं लगा। तो यही मेरा डॉक्यूमेंट बनाने का प्रोसीजर है, जैसे मैं लोगों के बनवाता था इस बार मैंने खुद अपने लिए बनाया और मुझे वीज़ा मिला है, नो डाउट 24 दिन का वीज़ा मिला हुआ है। आज मैं यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ और करूँगा आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी आती है मैं उसको एडवाइस करने में पूरी हेल्प करता हूँ और करूँगा, ये चैनल वही करता है। इस चैनल का कोई बिजनेस नहीं है, इस चैनल का कोई एजेंटी का काम या इमिग्रेशन का काम नहीं है, बिकॉज मैं ना एजेंट हूँ, ना इमिग्रेशन लॉयर हूँ, ना मैं कंसल्टेंट हूँ। मैं एडवाइस करता हूँ, एडवाइस के ऊपर मैं फीस भी लेता हूँ, लेकिन सिर्फ एडवाइस करता हूँ, इंसान काम खुद करेगा। तो यही चीज़ है कि आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ मैं एक्सपीरियंस, और मैं फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ उन लोगों का जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है। काफ़ी लोग है डिसलाइक मारते हैं वीडियो को, काफ़ी लोग लाइक मारते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर किसी एक पर्सन के लिए मेरी वीडियो जो है काम आ जाए तो मैं अपने आप को उसका आभारी समझूंगा, मैं अपने आप को खुशनसीब समझूंगा कि मेरे चलते किसी का काम बना है। और ये चैनल हमेशा अवेयरनेस देता है कि फ्रॉड से बचें, स्कैम से बचें। इस चैनल का किसी को किसी तरह का हिट करने का कोई मोटिव नहीं है। और आपको एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहूँगा कि मैंने एक अपने वीज़े की लाइव टेलीकास्ट डाला था, उस वीज़े में नीचे आप देख सकते हो परमिंदर सिंह या परमिंदर परवार, शायद वो मेरी वीडियो देखेंगे तो कमेंट जरूर करेंगे। उन्होंने एक कमेंट किया था कि सर आपकी वीडियो देख देख कर मैंने अपने डॉक्यूमेंट तैयार किए और मुझे ऑस्ट्रेलिया का जिस दिन मुझे वीज़ा मिला है 12 तारीख को, उसके एक दिन 11 तारीख को उन्होंने कहा कि मुझे ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अचीवमेंट मिली है। तो मतलब यहाँ से पता चलता है कि हमारा किया हुआ काम आ रहा है। तो आपसे फिर लास्ट में यही बात करता हूँ कि थैंक यू सो मच एवरीवन वॉच करने के लिए। वीडियो अच्छी लग रही है सब्सक्राइब करो, क्योंकि पूरे YouTube में आपको एक आशु भरद्वाज वीज़ा एडवाइजर चैनल मिलेगा जो किसी बिना डिमांड से काम करता है और सारी बात भी क्लियर करता है कि क्या क्या कैसे कैसे लगाया। कवरिंग लेटर के ऊपर, आइटनरी के ऊपर मैं अलग से 2 वीडियो बनाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो अगर अच्छा लगता है तो भी, अगर अच्छा ना लगे तो कमेंट जरूर करें ताकि हम अपनी वीडियो को इम्प्रूव करें। थैंक यू सो मच अगेन।